श्री रामन, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? मैं हूँ राहुल राठौड़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहुल राठौड़ ब्लॉग्स। तो गाइस, आज एक मैं आपको और हिंदू घर दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, और इनके घर का एक कमरा आप देख सकते हैं, इनके कमरे के ऊपर शापर वगैरह डाला हुआ है। तो इनका नाम है लक्ष्मण राम। तो इनका हम अभी आपको कमरा दिखाते हैं और घर दिखाते हैं। गाइस, ये इनका कमरा आप देख सकते हैं, ये इनका कमरा है, और ये इनकी सामान की पेटी वगैरह पड़ी है, और इधर ये इनके मोटरसाइकिल वगैरह खड़े हैं, बारिश की वजह से अंदर खड़े किए हुए। ये इनकी बैटरी वगैरह, इनका सामान वगैरह। और हम इनसे पूछते हैं कि आप जो आप रोटियां कहाँ पकाते हैं आप? हम यहाँ पे पकाते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर ये रोटी वगैरह पकाते हैं, देख सकते हैं आप गाइस। और आपका सामान किचन का कहाँ पर है? इसमें है, खोलो इसको। और ये इसका इसका इधर किचन का सामान, उधर रोटियाँ वगैरह पकाते हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये इनका किचन का सामान आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। गाइस, इसके अंदर ये किचन का सामान है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। गाइस, ये देख सकते हैं, इनके अंदर सामान वगैरह पड़ा हुआ है किचन का, और बारिश की वजह से इसके अंदर पानी पानी आ चुका है, और यहाँ से ये पानी वगैरह पीते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पानी वगैरह पीते हैं, और खाना वगैरह ये इधर पकाते हैं, आपको मैंने पहले दिखा दिया है। और ये इनके घर के ऊपर जो छापर वगैरह डाला हुआ, क्योंकि ऊपर से बारिश आती है तब इसके अंदर पानी नहीं जाता। और आपके घर में मंदिर नहीं है? नहीं, मंदिर है ना, छोटा सा एक बना बता। ये इनके घर में एक मंदिर है, आपको मैं छोटा सा एक मंदिर दिखाता हूँ। इनके घर छोटा सा एक मंदिर बना हुआ, कमरे के अंदर ही बना हुआ है, ये हमारा मंदिर है। और गाइस, ये देख सकते हैं गाइस, इनके छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये एक बजरंगबली की तस्वीर है और एक कृष्ण भगवान की, और ये इधर पूजा वगैरह करते हैं। छोटा सा बना हुआ है मंदिर, और ये इनका कमरा है। और गाइस, छत बिल्कुल देख सकते हैं, हाथ छत को सिर भी लग रहा है बारिश की वजह से। ये तकरीबन 10-12 लोग हैं, एक ही कमरे के अंदर रहते हैं। और इधर इनका सामान वगैरह पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, लकड़ियाँ वगैरह भी अंदर रखी हुई है ताकि ये जो बारिश की वजह से बाहर भीग ना जाए। और इधर इनकी सब्जी वगैरह पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और अभी हम बाहर चलते हैं, बाहर से आपको इनका घर दिखाते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं गाइस, आपके जानवर वगैरह भी है? हाँ, ये है, जानवर दिखाना अपने यहाँ। तो आप भी, हम इनको अब जानवर दिखाते हैं आप। तो ये क्या है? ये हमारी, तो गाइस, इसके अंदर जो एक दाने वगैरह यानी कि गेहूँ वगैरह रखते हैं इसके अंदर, इसके अंदर बारिश वगैरह नहीं जाती, लोहे की है। तो अभी हम आपको और दिखाते हैं। और गाइस, ये है इनका घास टेकने की जो बंदर वगैरह बनाई हुई है जानवरों को, आप देख सकते हैं। ये हमारे जानवर है, अपने जानवर। ये गाइस, इनके जानवर आप देख सकते हैं, बकरियां वगैरह सब कुछ है इधर, आप देख सकते हैं। ये बकरियां हैं, और वो उस पर ये क्या है, रेड़ी है? हाँ, गाइस, इस पर घास वगैरह लेकर आते हैं, ये रेड़ी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर घास वगैरह लेकर आते हैं। और अभी आपको हम इनका, ये किस लिए बनाया हुआ? ये इसमें हम जानवर इसके अंदर ही जानवर वगैरह बांधते हैं, और आप देख सकते हैं ये जानवर वगैरह के लिए बना हुआ है। ये जानवर का बना हुआ, ये जानवर वगैरह का बना हुआ गाइस, आप देख सकते हैं। इसके अंदर बाहर से आपको मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर जो धूप में जानवर वगैरह बांधते हैं। और आप सोते वगैरह कहाँ दिन को? इधर हम वहाँ सोते हैं, इधर गाइस ये सोते हैं, आप देख सकते हैं, छाँव के नीचे, दरख्तों के छाँव हैं। और इनकी ये गऊ माता बांधी हुई, आप देख सकते हैं, इधर व्यूज देख सकते हैं आप गाइस, ये इनका जानवर वगैरह बांधे हुए हैं। और गाइस, ये देख सकते हैं, अभी इधर खाना वगैरह खा रहे हैं ये इनके, ये इसका भाई है, इसका पापा वगैरह जो खेतों में काम करने के लिए गए हुए हैं, तो ये दोनों इनको भाई है। इधर भी खाना वगैरह खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इधर भैंस बांधी हुई है, और ये गऊ माता है। तो सारे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी तक गाइस आप हमारे चैनल पर न्यू, सबसे पहले चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और हम इस तरीके की मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट एक जरूर कर दें। और गाइस, आपको इधर से बाहर से इनका नज़ारा दिखाते हैं।